दो दिग्गज नेताओं के बीच कुछ दिनों से सियासी बयानबाजी शांत है, लेकिन जैसे ही पार्टी उम्मीदवारों के टिकट तय करेगी, पूरी बयानबाजी की दुकान सबके सामने खुलकर आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसी बीच उसी पार्टी के एक और नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिससे राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ गई है। MP छत्तीसगढ़ में तो हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मुकाबला बहुत करीबी है और इस एक बयान से पार्टी हैरान भी है और चिंतित भी। जहां अशोक गहलोत अपनी सरकार को रिपीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इसी बीच राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। राहुल गांधी ने ये बयान एक कार्यक्रम में दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की जीत को लेकर राहुल गांधी ने संशय जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, शायद तेलंगाना भी जीत रही है, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं डावा डोल है। सचिन पायलट क्या कम थे जो राहुल गांधी भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने पर उतर आए हैं? आखिर किस आधार पर राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। अगर सर्वे के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि MP और छत्तीसगढ़ के सभी सर्वे में कांग्रेस को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वही अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वे के हिसाब से राजस्थान में सिर्फ एक सर्वे में ही कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जबकि बाकी के कुछ अलग सर्वे के हिसाब से कांग्रेस स्पष्ट सरकार बनाती नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन बाद में MP में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इन राज्यों के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कई तरह के इंटरनल सर्वे करवाए। सर्वे के दौरान इनके परिणामों में भी अंतर कहीं ना कहीं दिखाई दिया। इसके अलावा कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राजस्थान में सरकार की बजाय विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। जिस तरह का फ्री हैंड विधायकों को दिया गया है, उससे एक एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति विकसित हो गई है। चुनाव में करीब 2 महीने ही बाकी है, मगर इसके बावजूद उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितनी पिछले चुनावों में हुआ करती थी। वही अगर हम MP और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ काफी पहले ही संगठन का विस्तार हो गया था। दोनों राज्यों में ब्लॉक से लेकर राज्य तक के ज्यादातर संगठनों में पदों को भर दिया गया है। साथ ही अपने स्तर पर कांग्रेस ने वर्किंग भी शुरू कर दी है। यही वजह है कि कांग्रेस के अपने इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है कि संगठन स्तर पर राजस्थान में कांग्रेस को और मजबूत होने की जरूरत है। राजस्थान की राजनीति में 2020 में हुआ मानेसर एपिसोड किसको याद नहीं होगा। इस एपिसोड के बाद से ही कांग्रेस ने सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और PCC पदाधिकारी बनाए गए, मगर जिला कार्यकारिणी नहीं बनाई गई। राजस्थान में कांग्रेस ने ऐन वक्त पर अपने संगठन का व्यवस्थित विस्तार किया। कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस ने सभी जिलों में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए, लेकिन अब भी कई ब्लॉक और जिलों की कार्यकारिणी पूरी नहीं बन पाई है। वही अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कई मंत्रियों के तो खुले तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मतभेद भी सामने आए हैं। बता दें कि राजस्थान में पिछले 5 साल में ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। कांग्रेस की बैठक में खुद राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है और कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जा रहा है। ये भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। UIT में सरकार के पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी चेयरमैन नहीं लगाया गया है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई निकायों में सरकार ने नेता प्रतिपक्ष तक नियुक्त नहीं किए हैं। अब इसे सरकार की लापरवाही कहे या कुछ और, लेकिन दूसरी ओर वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर UIT चेयरमैन बनाते तो उस क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होता और इससे लोगों में एक जुड़ाव महसूस होता। वही CM अशोक गहलोत ने कहा कि वो राहुल गांधी के इस बात को चैलेंज की तरह लेंगे। गहलोत ने कहा कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, राहुल गांधी की भावनाओं और चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। अब देखने लायक ये होगा कि अशोक गहलोत राहुल गांधी के इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।